अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक सवाल आया कि भाई हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि डर और खौफ नहीं ख़त्म होता दिल से। हर वक्त दिल में डर रहता है, खौफ रहता है, परेशानी रहती है, गमज़दा सा तबीयत रहती है, और ख़ास तौर पे शाम के वक्त हमारे साथ ऐसे मामलात ज़्यादा बनते हैं। तो मेरे भाई बहन जिनके साथ, ख़ास तौर पे याद रखिएगा, शाम के वक्त ये मामला होता है, रात के वक्त ये मामला होता है, तो ये अक्सर जिन्नात और जादू के मरीजों के साथ ये मामला बनता है। ये समझ लें कि ये एक अलामत है, जादू और जिन की एक अलामत है। और ऐसे बहन भाई को एक तो फौरी तौर पे अपना इलाज करवाना चाहिए, और दूसरा जो बेहतरीन वजीफ़ा मैं इंशाल्लाह इसके हल के लिए आपको बताऊँगा, इसके ऊपर अमल करें। शर्त ये है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें ताकि ये वजीफ़ा आपको फ़ायदा दे। वज़ाइफ़ भी उस वक्त भाई अमल करते हैं, फ़ायदा देते हैं, जब आप 5 वक्त के नमाजी होते हैं। आप पहला काम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, फिर आपने उस टाइम के दौरान ख़ास तौर पर नमाज असर पढ़ने के बाद अज़कार पढ़ें शाम के, और फिर आपने 33 टाइम्स फलक और नास, सूरह फलक और नास 33 टाइम्स आपने तिलावत करनी है। पानी पर दम करके उसको पीना भी है। और घर में अगर वहशत महसूस होती है, घर के अंदर ऐसा डर वाला मामला है, खौफ वाला मामला है, तो घर के अंदर पानी को छिड़कें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये डर और खौफ वाली कैफियत ख़त्म होगी। और इस ज़मर में आप मेरा एक दम भी सुन सकते हैं, मैंने 313 दफ़ा फलक और नास की तिलावत की हुई है, वो चैनल पे मेरा दम पड़ा, मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, अगर उसका हम आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वो आप वहाँ से सुन सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये मामला आपका ठीक होगा, और ऊंची आवाज़ में वो तिलावत घर में चला दें और पानी पे दम करके इसको पिएं। कम अज़ कम आपने 41 दिन ये वजीफ़ा करना है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपका ये डर खौफ वाला मामला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा।